It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Scallets? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Scallets after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अलमेटाडोर फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हमारी किंगडम कम डिलीवरेंस। सो प्लीज़ गाइस, इस वॉक थ्रू को देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ, कुछ चीज़ में कमी हो तो उसे इम्प्रूव करूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैंने टैलमबर्ग से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मुझे ये रीप्ले करना पड़ेगा क्योंकि कल रात को भी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ट्राई किया, पर क्या हुआ कि OBS ने सब कुछ तबाह कर दिया। मतलब वीडियो के वॉइस ना सही थे और वीडियो अटक अटक के चल रहा था। मतलब जो फ्रेम्स थी वो अभी ये है तो अभी वहाँ है, ऐसे कुछ। सो हमें थोड़ा बहुत रीप्ले करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूँ कि हम स्कालिट्स पहुँच गए थे कल, पर आज फिर से रिप्ले करना पड़ेगा। पता नहीं ये पूरी गेम, ऐसा बोले तो कि ये पूरी गेम हमने अपलोड करी है पर रिप्ले करके ही करी है। सॉरी गाइस, इसलिए सॉरी। और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 15 दिनों से मी टीवी लेने की सोच रहा था। मतलब सोच नहीं रहा था, मैंने मी टीवी लेने का पूरा मन बना लिया था। तो आज 2 बजे उसका सेल था, तो क्या हुआ कि 1:15 बजे मैं अपने पीसी के सामने बैठ गया। इंटरनेट सब कुछ बराबर से चल रहा था और सब कुछ ही सही था। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि एंड टाइम पे इंटरनेट बंद हो जाता है या वेबसाइट डाउन हो जाती है या कुछ, बट आज सब कुछ सही था। पर फिर भी जैसे ही 2 घंटी बजी, मतलब जैसे ही मैंने अलार्म भी रखा था 2 बजे से ऑलमोस्ट 1:58 का मैंने अलार्म रखा था, तो जैसे ही वो अलार्म बजा मैंने रिफ्रेश करना चालू कर दिया। कंटिन्यूस मैंने रिफ्रेश करना चालू कर दिया वेबसाइट को, और वेबसाइट लोड भी बहुत जल्दी हो रही थी। पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली 1 सेकंड के अंदर वो टीवी सोल्ड आउट हो गया, या फिर वो टीवी मेरे शहर में आने के लिए अलाउड नहीं था। मतलब क्या आउट ऑफ स्टॉक था सूरत के लिए। मतलब मैं सूरत से हूँ और सूरत में वो टीवी आउट ऑफ स्टॉक था, मतलब पता नहीं। और सिर्फ 2 मिनट में प्रॉम्प्ट आया कि सोल्ड आउट। ये क्या बात हुई? मतलब क्या हम लोगों के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है? ये गलत बात हुई। मतलब पूरे इंडिया में हर जगह पे ये होना चाहिए, हर किसी को ये टीवी लेने की, हर किसी को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। बट ऐसा हुआ कि जो टायर थ्री सिटीज़ थी लाइक मुंबई, हैदराबाद, पुणे, ऐसी सिटीज़ में ही वो टीवी गया होगा। मतलब उन लोगों के लिए ही अवेलेबल रहा होगा, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमको कोई क्यों भाव देगा। सो गाइस, मैंने थोड़ा अपना दुखड़ा रोया आप लोगों के सामने, पर क्या करूँ, मैं सच में 15 दिनों से मैं इस टीवी के पीछे लगा हुआ था। मतलब मुझे ये टीवी चाहिए ही था क्योंकि इसमें 4K HDR और एज LED और इसके जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और जो ब्लैक्स है वो काफ़ी सही थे। तो मुझे बहुत आशा थी कि मैं इस टीवी को लूँ, पर नहीं ले पाए। सो इसका बहुत अफसोस है मुझे।
वैसे हम इस गेम में अभी जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें टूल एक वो चाहिए, क्या लॉकपिक, हमको लॉकपिक चाहिए, पर लॉकपिक इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। मतलब लॉकपिक लेने है, मतलब टीवी की तरह नहीं, टीवी तो ऑलमोस्ट अनअवेलेबल है, मतलब इस इतनी बड़ी सिटी में भी अनअवेलेबल है वो। ये थोड़ी गलत बात हुई, मुझे वो टीवी चाहिए ही चाहिए था, पर क्या करेगा इस जैसे जैसे जिसकी जिसका जैसा नसीब। जिन लोगों को मिला उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग सच में नसीबदार हो कि आप लोगों को ये टीवी मिला, क्योंकि सब हर किसी को नहीं मिला ये। सो हम अभी लॉकपिक, अच्छा ओके, वाओ हमें लॉकपिक के बिना ही ये सब मिल गया, सच में हमें सब कुछ मिल गया। चलो एटलीस्ट टीवी नहीं मिला, पर बिना लॉकपिक के हमने सिपाही बन गए, वैसे अच्छी बात ही है, पर हम फिर भी लॉकपिक लेंगे क्योंकि लॉकपिक बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, टीवी नहीं मिला लेकिन लॉकपिक मिल गया, सॉरी लॉकपिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, हम यहीं पे कपड़े बदल लेते हैं, अच्छी जगह है, कोई आएगा तो बोल देंगे उसको चा भाई इधर से हम। वैसे कल रात को ऐसा नहीं था। ओके सो सॉरी गाइस, मुझसे ये भूल हो जाती है हर बार, चलो ठीक है ओके। ये डेकोरेटेड वाला पहनते हैं, अंडर ग्लोव्स लेते हैं, सभी कुछ ओल्ड बूट्स पहनते हैं ये, क्योंकि इसकी कंडीशन अच्छी है वैसे, वो डार्क फुट फ्रैप्स एंड सोल अच्छा है, लेकिन कि ये सब चुराया हुआ सामान हमें रेड में बताता है ये, ठीक है। वैसे हमारे पास और कोई चारा नहीं था, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये गंदा है, रेड स्काफ और ये सब थोड़ा डर्टी हो गया, इसको धोना कैसे मुझे पता नहीं, पर देखेंगे क्या कर सकते हैं। वैसे हम एक सिपाही बन ही गए, ठीक है। और हाँ, मैं आर्मर लेना होगा, हमारे पास आर्मर नहीं है अभी भी। सो देखते हैं कहाँ से मिलता है, एक अच्छी बात हुई वैसे कि मैं खुला ही मिल गया वो, जहाँ पे बस इतना देखेंगे कि कोई है नहीं, क्योंकि कोई हमें देख ना ले ये करते हुए। वैसे मैं बिल्कुल नहीं करता ये लॉकपिक से ही खुलेगा, तो हम क्या करेंगे। जितने एरोज है उसे ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब काम पड़ जाए, ठीक है। तो अभी गाइस देखते हैं हम क्या बेच सकते हैं, क्योंकि लॉकपिक तो अभी भी चाहिए ही, पर अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ है। जो वैसे दो लॉकपिक्स लेना है, इससे बात करते हो क्या बेच सकते हैं वो देखते हैं। My respects to you. My respect to you. Can we trade? If you've got the coin. पैसे तो मेरे पास नहीं है वैसे, मेरे पास दो साढ़े दो कॉइन बचे हैं, मतलब दो कॉइन और सिक्स सेंट्स वैसे पता नहीं। ओके ये यहाँ से खरीदना है, हमें दो लॉकपिक तो चाहिए ही चाहिए, और इसका भाव बहुत है, मतलब 36। हमारे पास शिट, हमारे पास सिर्फ एक है, तीन चीज़ है उसमें से हम दो दे देते हैं, एक रखते हैं। हमारे पास अभी नरिशमेंट काफ़ी है, सो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डार्क ये बेचे या नहीं बेचे पता नहीं, ग्रीन शर्ट एक ही निशानी है हमारी आखिरी ज़िंदगी से, सो उसे रखेंगे।
उसके सिवाय ये जो है इसे बेच देते हैं। टाइट ओलिव हॉर्स जो है इसे भी बेच देते हैं। ये भी एक कह सकते हैं निशानी, आखिरी पर हर किसी चीज़ को तो नहीं रख सकते ना। वाइन को रखते हैं अभी। एक शील्ड बेच देते हैं, तो ये चेक्स वाला बेचे या ये ऊपर हार्ट वाला? हार्ट वाला मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो चेक्स वाला ही बेच देते हैं। अभी 10 और लेने हैं हमको, 7 और रेड स्कार्फ लगते हैं। पूर क्वालिटी एरो है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा हमारे पास 37 है वैसे। ये नहीं है, ये नहीं बेचना है। ओके, ओनियन का कुछ नहीं आएगा। पूर क्वालिटी एरो सिर्फ 4 ही है हमारे पास। लॉन्ग डिस्टेंस एरोज है हमारे पास 5, क्या बोलते हो? ठीक है, सो अभी देखते हैं इससे भावताल करके। ऐसे हमने कुछ छोड़ा नहीं, हम इससे पैसे मांगते हैं पहले। Let's talk about the price. क्योंकि Die. ठीक है, ओके, हम इसे 1.5 मांगते हैं क्योंकि हमें इतने चाहिए। What do you say to this? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. ठीक है, ये पॉइंट चलो ठीक है, एक पे आते हैं, देखते हैं हो सकता है नहीं। Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Okay. ठीक है, अभी तो इसे देना ही पड़ेगा। I knew we'd come to an agreement. ठीक है, so हमारे पास अभी 2 lockpicks है, sorry, toothpick. और अभी घोड़ा भी चाहिए होगा ऐसे। एक सेकंड, मैं क्वेस्ट को चेक करता हूँ। हमें घोड़ा लेना है। गेट आउट ऑफ द कैसल ऑप्शनल। टेलम्बर्ग आर्मर हमारे पास है वैसे, तो फिर चलो अभी तो घोड़ा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं उधर जाके, अगर रिस्क नहीं लेते घोड़ा लेते और यहाँ से निकलते हैं। वहाँ पे एक सिपाही खड़ा हुआ है, सो मैं नहीं चाहूँगा कि वो मैं पहचान ले। यही है वो घोड़ा। ये पता नहीं चला कि अगर हमें एटलीस्ट उसे पीछे से, वो वहां पे खड़ा हो गया। डैम, हमने उसको कुछ भी नहीं किया फिर भी वो डैम बोला। इसे मुर्गियां मुझे बहुत पसंद है। इसे बात कर दे अभी, क्योंकि हमने जो टेलम्बर का पूरा डिस्गाइज कर लिया है। आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone. Hey! Open the gate! Okay, so हम कामयाब हुए निकलने में। अब हमें जाना है यहाँ पे, जाना है बी साइड पे। ठीक है, यहाँ पे, ओके ठीक है, सॉरी गाइस। ये घोड़ा चलाना ठीक ठीक आ गया है, पर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती। इसे मैंने घोड़ा कभी चलाया नहीं है। माथेरान में मेरे पास मौका था, पर मैं मौके पे चौका नहीं लगा पाया। वाह, वैसे अभी ये घोड़ा स्मूथ चल रहा है।
वैसे गाइस मैं बता दूं कि मैं इस गेम को 1080p रिजोल्यूशन पे खेल रहा हूं और ऑलमोस्ट हाई डिटेल्स नहीं है पर एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूं, पर फिर भी ये गेम मुझे सिर्फ 50 FPS दे रही है एवरेज इस समय, और कभी कभार 20 FPS पे भी आ रही है। मतलब ये गेम बहुत ही घटिया तरीके से हमने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, बहुत ही घटिया तरीके से ऑप्टिमाइज़ की गई है। मतलब 1080 है मेरा GTX 1080 और GTA 5 रीडक्स के साथ मैं आराम से 45 FPS पे खेल लेता हूँ। और इसको मैं 1080p मतलब 45 FPS पे 4K में अल्टीमेट सेटिंग्स के साथ खेल लेता हूँ, अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ। पर इस गेम को मैं ऑलमोस्ट मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे 1080p पे 40 FPS पे खेल रहा हूँ जैसे तैसे करके। मतलब किसी चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन नहीं है इस गेम में, या फिर मेरे पीसी में कोई भूल होगी क्या पता, फिर तो GTA भी नहीं चलना चाहिए वैसे। यहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ है, मतलब हुआ था उस वक्त जब हम यहाँ से भागे थे, और उन्होंने रास्ते में आने वाले हर किसी इंसान को मार दिया, मतलब उन्होंने पूरी तरह से कत्लेआम किया। ये बहुत ही घिनौनी हरकत करी है उन लोगों ने, इंसानियत जैसी कोई चीज ही नहीं है उनमें। मैन, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम जैसे तैसे करके बच निकले और हमने एक लड़की की जान भी बचाई थी, एटलीस्ट आई होप मैंने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गई उसके बाद का पता नहीं, और हम लोग वहाँ से भाग आए, मतलब हम लोग नहीं, मैं वहाँ से भाग के आ गया। पर फिर भी अभी हमें इधर जाना है। देखो गाइस हर जगह पे लाशें ही लाशें, सभी इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ओह शिट, उधर कोई है, इस समय तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि ये इंसान थोड़ा खूंखार हो सकता है। Come here, Lily Liver. Okay. हमें ये लेना है, गैदर करना है ये। Okay, guys, so हमने ये ले लिया है और वो सरेंडर कर रहा है, तो हमें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। Okay, ठीक है, वो भाग गया। I hope वो हमारे लिए मुसीबत ना बने, पर अगर वो सरेंडर करता है तो हमें मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को मार के कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। यहाँ पर सब जगह पे लाशें हैं और ये अच्छी बात नहीं है। पता नहीं क्यों ये इतनी FPS ड्रॉप कर रही है अभी। बारिश इतनी क्यों गिरने लग गई, देखते हैं किस रास्ते, ये रास्ते तो नहीं जाना, सीधे जाना है। आपने देखा वो जो जिसके पास हमने कोयला लिया था, जो कारकोल वाला चारकोल बर्नर यहाँ पे मरा पड़ा है, पर इसे चारकोल लेकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो खुद की जान बचा सकता था। पर पता नहीं गाइस, सब इतने नसीब वाले नहीं होते कि अपनी जान बचा दी। किसी को यहाँ पे लटका दिया है उन्होंने, कतई घिनौनी हरकत है। Wow.
Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? ये बिल्कुल ही सही बात है. इन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था? इनकी ये हालत हुई. हमने श्राइन डिस्कवर किया. श्राइन डिस्कवर. ओह शिट, वहाँ पे एक और है. What are you doing here? Tired of life, are you? उसी डम ने इसको मार दिया. ए सॉरी बड़ी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुझे मारना पड़ेगा. एक्स को ले ले गए हम. मैं से किसी लाश को लूटेंगे नहीं. ये क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास जितना पैसा होगा इस गेम में इतना ही अच्छा है. और मैं जब तक जानता हूँ ये दरवाज़ा भी बंद है. हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता भी बंद है. और हमें इस रास्ते ये रास्ता यहाँ से ही हम जा पाएंगे. सो हम कोशिश करते हैं. यही एक रास्ता है जो ये रास्ता बंद है. और मैंने पूरे चारों चार रास्ते देखे, सभी बंद है और हम नहीं जा सकते उस रास्ते पर. सो इस रास्ते से आप लोगों का भी टाइम बचेगा. पहली बार जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, मतलब रिएक्शंस थे, वो इस बार शायद ना हो. पर क्या करे गाइस, मैं भी सीख रहा हूँ. ओ इधर भी कोई है. मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे कोई है. पर हम इसको बुलाते तो है. Hey, who's there? What have we got here? Entertainment. Okay. सॉरी, हमने इसके पास इसको मर्सी किल कर दिया. ओके, इसके पास है क्या? वैसे बैंडेज है, बैंडेज लेंगे हम. मेरी गोल्ड डिकॉक्शन है इसके पास, वो भी लेंगे. ये क्या, ये कौन था मुझे नहीं पता. पर लेदर जर्किंग्स गाइस, पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा. सॉरी सर, मुझे इस गांव में हमने अपनी जिंदगी के कई इम्पोर्टेंट साल गुजारे. हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे. इसको लूटना नहीं चाहेंगे, बट ये तलवार लेना चाहेंगे. तलवार हमारे काम आ सकती है. ये है वो कुछ बदनसीब लोग जो सिगस मन की आर्मी का शिकार हुए. और हमारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे, हमारी जो गर्ल है वो यहाँ पे. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Just wait a minute. I'll take care of my parents, and then I'll come back to you. I won't leave you. हमें बियांका को भी दफनाना चाहिए. वैसे इस प्लेयर के मामी पापा की मौत इस जगह पर हुई थी. सो ये थोड़ा इमोशनल मामला हो चुका है. थोड़ा नहीं, बहुत इमोशनल मामला हो चुका है. ऐसा कोई नहीं सोचेगा कैसा उसके साथ कभी भी ज़िंदगी में हो. Why did you do it to me, Father? Why?
did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. Wo next time kabhi nahi aayega. I'll never run away again. His face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. ये काफी दुखद घटना थी. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here, under the linden tree. At least I can do that much for you. कोई है वहाँ पे? I hope के उसे पता ना चले कि हम लोग यहाँ पे. उसे शोएल कहाँ पे ढूँढे? एक जगह है शायद हमारे घर के पास. अच्छा यही था शायद. यहाँ पे सारी घास भरी हुई थी और एक बंदा शायद शोएल का यूज़ करके गास. अच्छा वो इधर नहीं है अभी. एटलीस्ट एक बार घर जाके आते हैं. ये हमारा वर्कशॉप था जहाँ पे पापा ये थोड़ा इमोशनल मामला है सो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस पर. घर की क्या हालत की हुई है इन लोगों ने. बहुत ही यहाँ पे हमने अपने जिंदगी के कई साल गुजारे और इसकी ऐसी हालत. गाइस मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ इस बार. शोवेल को कहाँ ढूंढे अभी? हमारे पास थोड़ा ओवरवेट है. इन्वेंट्रीज में से कुछ निकालना पड़ेगा. एक्स की कोई कीमत नहीं है वैसे. सो एक्स को ड्रॉप करते हैं. गाइस मैं यहाँ पे मैंने पहली जो क्वेस्ट खेली है उसमें मैंने ऑलमोस्ट इस जगह के बारे में रट्टा मार लिया. मतलब कहाँ पे क्या है सब कुछ. अभी हम शोवेल कहाँ पे ढूंढे? कौन है वहां पे? कोई है? कोई यहाँ पे नहीं है. उमेन कोई है उधर. ओके सो यहीं पर हमें जाना था. ये कौन है? Get away, you mutt. ये तो वो बंदा है जिसको हमने धूल चटाई थी पता है. Get away, you beast. What's going on? Zbyszek. Zbyszek. What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that mutt the butcher's? Mutt? Isn't that body the butcher's?
Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Okay. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it, anyway? My father forged it for Sir Radzik. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that... And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? You know, you're an unbelievable piece of shit. Shit, shit, shit! That's right! Turn tail and run, you bastard! ये क्या है? अभी हमें लिंडन ट्री मतलब अपने घर के पास जाके कब्र खोदनी है। इन दोनों ने अच्छी जिंदगी जी, वैसे कहने जाए तो अगर पूरी जिंदगी भी साथ में थे और आज जन्नत में भी साथ में। So farewell to you, mom and dad. इसके मोमेंट है प्लेयर के। मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे, सही सलामत, सेहतमंद है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। This is a good place. You're gonna like it here. कहाँ पे? यहीं पर है। तो यहाँ कहाँ वो नहीं पता है। क्या मछली है ये? क्या? Okay guys, okay, yeah, you go. ये कुत्ता अच्छा है मुझे। Let's get to it. मतलब पहले हमें शक हुआ था कि कुत्ता अच्छा नहीं है, मतलब वो किसी को चोट पहुंचाना चाहता है। पर जाके देखा तो जबीजैक के पास एक मौका था खुद को बदलने का। मतलब ये एक ऐसी घटना थी कि अच्छे अच्छे इंसान भी बदल जाए। पर वो अड़ियल था, मतलब वो उसी रास्ते पे टिका रहा, बुराई के रास्ते पे। ये Damn it all. You need some help? Is that him?
Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. मैं यहाँ से भागते रहना है। Oh shit! उसने मैं एक में ही। Oh shit! ये गलत बात हुई। के सामने नहीं टिक पाए मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाए उसी तरह जिसी तरह वो मी टीवी 4 नहीं टिक पाया आज एक सेकंड के लिए भी दिस इज नाइस वर्क द चीफ इज गोइंग टू लाइक इट इट्स न्यू इजंट इट नाउ फॉर द मेडन ब्लडलेटिंग Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! ये थरीसा है. The games are over. Sir! Disperse this rebel! Okay, Sir Robert ने बचाया. मतलब अभी हमारी लगने वाली है वैसे क्योंकि हम बिना बताए यहाँ पर आए ओके हमारे पास सर जी कोयला की कोलिया की स्वॉर्ड नहीं है ये अभी नंबर छप रहे है सच में मतलब असल में ये गेम की शुरुआत है जैसे कि एक मूवी में मूवी का जैसे तो अब तक जो हमने खेला वो प्रोलॉग था यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई अगर ऐसा है तो वैसे इन्होंने हमारा काम कर दिया ये काफी सैड संगीत बज रहा है Thank you.
किसी को फांसी लगने वाली है। सच में ये कौन है और हमें कहां पे लेके आए ये लोग? मतलब टैलेनबर्ग जैसा तो नहीं लग रहा ये। ओके, क्वेस्ट होमकमिंग कंप्लीट। अभी अवेकनिंग है। ओके, ये एक बुरा सपना है। हे गाइस, ये कौन है? कहाँ पे गए वो लोग? बस कहाँ से आवाज आ रही? ये पूरे इलाके से आवाज आ रही। ये लोग कौन है? यहां से आवाज आ रही है? लगता नहीं है। कहां जाएगा इस? ओके, अभी हमें खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये क्या है? ये खंडर है सब। ये इसी दरवाजे से हम यहाँ अंदर आए थे। यहाँ से बाहर जाना है क्या? नहीं, यहाँ से नहीं जाना है। तभी कहाँ जाए? कहाँ जाना है? ये ऐसा क्यों हो रहा है यार? मैं गेम खेलनी है, हमको गेम खेलने दो। कहाँ जा रहे हैं हम? ये गलत बात है। ऐसे बिल्कुल एक नाइटमेयर के अंदर ले आना, ये गलत बात है गाइस। कहाँ जाना है? ये पूरे इलाके से आवाज आ रही है। यहाँ तो नहीं। यहाँ तो नहीं। उल्टी दिशा में जाते हैं बॉस। ये है, ये टावर है। घर की तरफ जाना चाहिए हमें। ये क्या है? ये फिल टावर है क्या? वो कुत्ता और भी भूख रहा है। ये है। ओके, यहाँ पे घर है हमारा। ये वो दरवाजा है। शिट, कौन है? कहां पे जाना है हमें? घर पे जा? ये हमारा वर्कशॉप है।
ये घर है हमारा। और भी नहीं, कहाँ पे जाना है मुझे गाइस? ये थोड़ा डरावना लग रहा है। अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सच में कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है हम। हमें मुझे एटलीस्ट इतना पता है कि हम अपने घर के पास है। ओके, ये रास्ता कैसल की ओर जा रहा है। ओके थैंक गॉड, हमें कैसल पे ही जाना था। ओ शिट, ये भी नहीं, कहाँ पे जाना है हमें? मुझे कुछ पता नहीं है गाइस, सच में मैं बस वैसे ही जा रहा हूँ। वापिस से चलते हैं। तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है, ये एक सपना है, पूरा सपना। कुनेश का घर है ये। पे जाना है क्या? ये क्या हो रहा है गाइस? वहाँ पे तो नहीं जाना है, वहाँ पे तो नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं तो वापस वहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पे घर था तो यहाँ पे नहीं गए हम, नहीं यहाँ पे गए, उस साइड पे नहीं गए, इस साइड पे। यहाँ पे आपको बताओ तो हम लोग स्वॉर्ड सीखने के लिए गए थे। यहाँ पर भी लगता था नहीं। गाइस कहाँ पे जाना है हमें? okay, यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं। ओके गाइस, कहीं पर जाना है बस, मुझे इतना पता है। ओके बस यही है। मतलब क्या ये रैंडम था क्या? हमने कौन सा फास्ट ट्रैवल पॉइंट डिस्कवर किया? Do you need some help? इस कुत्ते को हम नहीं छोड़ेंगे, और इस कुत्ते को भी। इसने हमारे, मतलब इस प्लेयर के मम्मी पापा की जान ली। ये पहला वाला सीन है, ये बहुत ही दुखद घटना थी।
ये सबसे ज्यादा। Henry, there's work to be done. क्या सच में? ओके ये थरीसा है। Henry, can you hear me? Yes. Hallelujah. I thought you'd never wake. Are you having a nightmare? Teresa? I still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? कितने दिनों के बाद? कितने दिन हो गए हमें? We're at my uncle's mill in Rete. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. Sorry guys, मुझे थोड़ी सर्दी हो चुकी है। Scallets after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents. I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Yeah, huh? Yeah. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Scallets and I saw Zbyshek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. तुम कैसे वहाँ पे? What in the world were you doing in Scallets? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. Such men. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Okay. Here we are. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robart. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Okay. कितने दिनों के बाद? Good morning to you. How's the invalid today? I haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If he'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. हम कितने दिनों से हैं? I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanish of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik.
And I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. Oh man, I'm here too. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Such man, I owe you my life. I owe you both my life. And I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Okay. मैं सर राजीव के पास जाना होगा अभी और पहले तो खाना खाना है सॉरी गाइस अच्छा टेक है स्टील नहीं करना है सब कुछ लेंगे हम पैनकेक्स वाव ओके कितनी क्वेस्ट चालू हुई है विंजेंस की Get father sword back, find out who led the raid on Scarlet and Avenger family. ठीक है? हमने complete भी कर लिया. Okay, हम थोड़ा overweight लेके चल रहे हैं, तो कुछ चीजें होंगी जो हम इस बक्से में ही रख देंगे. Inventory से में, inventory में से. 8 एप्पल है हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है सो हम बैंडेज हमारे पास 6 है एप्पल इतने ज्यादा नहीं रहेंगे ये इसको रख देते हैं यहाँ पे डोर किस कहाँ की है ये पता नहीं है पर ग्रीन शर्ट इसको भी रख देते हैं यहाँ हमारे पास 3 ग्रोशंस हैं हंटर ग्लोव्स इतने महंगे हैं कुनेश की कोई जरूरत नहीं इसको भी लेदर जर्किन ओके लाइट पैडेड आर्मर इसकी जगह लेदर जर्किन ले लेंगे हम ये हम नौ में से 12 रखते हैं 7 को यहाँ पे रख देते हैं मेरी गोल्ड डिकॉक्शन 3 है हमारे पास ऑनियन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ओ शिट हमने सब कुछ ये बेवकूफ़ी क्यों की सॉरी गाइस ये पॉपी क्या है पूर क्वालिटी है उसको यहाँ पे रख पूर क्वालिटी है वो स्वीट पैनकेक को हम खा लेंगे वैसे स्वीट पैनकेक को भी तो खाना पड़ेगा शार्ट एक ही है हमारे पास अभी ऑनियन को रख देते हैं ठीक है ऑल बूट्स मतलब इनको रख देते हैं ग्रीन शर्ट को रख देते हैं ग्रोशन की ज़रूरत पड़ सकती है लाइट पेडेड आर्मर बहुत ये हैवी है बॉस ओके ओके गाइस तो इतना काफ़ी है हमने यहाँ से तो खाया है अभी हम इन्वेंट्री में से भी कुछ पैनकेक्स ले लेते हैं नरिशमेंट काफ़ी कम है हमारी सो चीज़ ले लेते हैं एप्पल अच्छी क्वालिटी का है
एंशियंट मैप हम बाद में देखेंगे। लॉकपिक हमारे पास 2 है और हमें इतने ही रखने हैं साथ में। लॉन्ग डिस्टेंस एरोज हमें काम लग सकते हैं, सो इसको पास रखते हैं। कॉलर तैयार हो जाते हैं वैसे। हंटर ग्लोव्स जितना हो सके खुद को तैयार कर लेते हैं। ओके, लेदर जैकेट को पहनना अच्छा होगा वैसे। एंशियंट मैप कैसे मिला मुझे पता नहीं है वैसे। अभी कुछ पहनने के लिए ओल्ड बूट्स नहीं, क्वालिटी अच्छी है वैसे इसकी। ओके, पैच्ड होस 60 कॉइन की है ये। सेवियर स्नैप सिर्फ एक है हमारे पास। ओके, ये भी पहन लेते हैं जो कुछ भी, और इसे खा लेते हैं। एक रखते हैं वैसे, कुछ भी जरूरत हो सकती है। विलेजर एश समथिंग। इसकी कंडीशन देखते हैं वैसे। ओके, इसकी कीमत नहीं है वैसे, क्यों ऐसा? वॉरर्स गेम्स देखने में अच्छा है पर ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो गाइस ने काफ़ी कुछ कर लिया है, हमें नहाने की ज़रूरत है, क्या बोलते हो आप लोग? क्या आवाज़ आ रही है वैसे? ये आवाज कुछ सही नहीं आ रही है। इसे हमें बात करनी है, हमें अभी उससे बात नहीं करनी है। खाली पीली कोई क्वेश्चन दे देगा। और अच्छा, वहां पे वो चिमनी जल रही है। Hey, youngster, come here. Okay. So guys, अगला काम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम इन महाशय से बात करेंगे जिन्होंने हमारी इतनी मदद की और ये हमारे पास आई। व्हाट वर यू गोइंग? सीरियसली मैन, मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा हूँ। तो जो लगे आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए वॉकथ्रू के साथ। तो Part3 कंप्लीट आज। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, उस बेल आइकन को दबाइए। उस बेल आइकन को दबाने से आपको हर नए वीडियो के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सो कल फिर मिलते हैं गाइस। बाय बाय।